दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। शहर के अलग अलग रेसिडेंसियों में उत्साह के साथ पौधारोपण किया जा रहा है। उजाड़ पड़ चुके उद्यानों को पुनः जीवित करने की ललक जग रही है। लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व लगाए गए पौधों का प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाकर और उनकी देखरेख करते हुए शांतिनगर बंधैयापुरा के व्यापारी और रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर रेवा के सदस्यों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की नजीर पेश की गई। व्यापारी संघ और रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया, 6 सितंबर को केक काटकर और मिष्ठान वितरण कर वृक्षों का जन्मदिन मनाया जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 18 सितंबर के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में सांसद ने जनप्रतिनिधियों और प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की। लंबे अरसे बाद भी जबलपुर के चेरीताल क्षेत्र को जल प्लावन की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। आलम यह है कि कुछ देर की बारिश में ही सड़कें जलाशय में तब्दील हो जाती हैं और लोगों के घरों में भी पानी भरने की नौबत आ जाती है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने विक्टोरिया अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान निर्माणाधीन 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड का निर्माण कार्य 12 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। आत्महत्या करने के मकसद से तिलवारा पुल की रेलिंग पर चढ़े युवक को डायल 100 के स्टाफ ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवक रविंद्र अहिरवार ग्राम हीरापुर बंधा का रहने वाला है। पुलिस द्वारा युवक को समझाइश देकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आगा चौक स्थित लाइव मेडिसिटी अस्पताल की 4th मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 301 में सीलिंग का हिस्सा गिरने से कमरे में भर्ती महिला मरीज और उनके पति को चोटें आई हैं। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति बन गई और मरीज के परिजनों ने लाडगंज थाने में FIR दर्ज कराने की बात कही। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच सोमवार को जिले में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए और एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। नमस्कार, BTV न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर के अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में महिलाओं की हत्या से सनसनी। अधारताल सन सिटी में चरित्र और अवैध संबंधों के शक पर पति ने किया पत्नी का कत्ल, तो वहीं ग्वारीघाट भीम नगर में महिला की हुई नृशंस हत्या। बेलखेड़ा में विवाद के बाद गोली चलने से घायल हुए 3 युवक। गोली चलाने वाले फरार पिता पुत्र की तलाश जारी, पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। कशियाना में युवक से मारपीट करने आए युवकों ने चलाई गोली, एक युवक गोली लगने से हुआ घायल। लाडगंज पुलिस ने दर्ज की FIR। और कांग्रेस ने किया लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव। चौपट सफाई व्यवस्था और नाले नालियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग। प्रदर्शन के दौरान देर तक मचा रहा हंगामा। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। शहर के अलग अलग रेसिडेंसियों में उत्साह के साथ पौधारोपण हो रहा है। उजाड़ पड़ चुके उद्यानों को पुनः जीवित करने की ललक जग रही है। लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के जरिए लोगों में पर्यावरण के प्रति संरक्षण की अलख जग रही है। शहर की अलग अलग रेसिडेंसियों की समितियां स्वयं आगे आकर उत्साह के साथ पौधारोपण कर रही हैं। इसी कड़ी में मानस भवन के पास कायस्थ महासभा के सदस्यों ने पौधारोपण कर अभियान को गति प्रदान की। वो बहुत ही अच्छा अभियान है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि आज आपने हम लोगों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया है। आज का जो समय है उसमें पर्यावरण का बहुत महत्व है। अभी हमने कोरोना काल में देखा है कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है और उस हिसाब से आप जो नीम का पेड़ करवा रहे हैं, पौधा रोपण करवा रहे हैं, ये और भी अच्छा है क्योंकि इसकी औषधि गुण भी बहुत अच्छे हैं जो पूरे शहर में अगर फैलेंगे तो सबको इसका फायदा मिलेगा। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद वार्ड में स्थित हर्षित नगर में क्षेत्रवासियों ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण किया, तो वहीं रामपुर में हाईकोर्ट सोसाइटी के सदस्यों ने शिव सैनिकों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस अभियान के तहत लोगों में पौधा वृक्षारोपण की भावना जागृत हो रही है और हर घर में पौधे लगाए जा रहे हैं तथा जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधा वृक्षारोपण लगातार पूरे भारत में फैल रहा है तथा मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का जो वृक्षारोपण के लिए उपस्थित हुए। आज ऑक्सीजन न होने के कारण बहुत सारे परिवारों को क्षति हुई है। इसी प्रकार से अगर सभी लोग संकल्प ले लें और भास्कर की इस योजना के साथ जुड़ करके पौधा लगाने का प्रयास करेंगे
तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा परिवार का कोई भी सदस्य हमसे बिछड़ नहीं पाएगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभियान के जरिए लोगों में जनजागरण हो रहा है, उपेक्षित पड़े उद्यानों को संवारने की कोशिशें भी नजर आने लगी हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर करमवीर शर्मा ने विक्टोरिया अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान निर्माणाधीन 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड का निर्माण कार्य 12 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डेंगू वार्ड का भी जायजा लेकर मरीजों से भी बातचीत की। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड को 12 सितंबर तक पूरा करने के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने डेंगू वार्ड पहुंचकर मरीजों से भी बातचीत की और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल की। मरीजों की फाइलों को देखकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य पूरा कराया जाए ताकि समय पर लोगों को इसकी जानकारी मिले और वो मलेरिया और डेंगू से बचाव कर सकें। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि वो डेंगू और मलेरिया के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सतर्कता बरतें। जो जितना ज़्यादा हल्के से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं यदि और उसका कोविड टेस्ट हो जाता है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यद्यपि लगभग 70% से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है शहर में और ज़िले में, इवन पूरे ज़िले में 70% से अधिक लोगों का डोज लग चुका है। तो जो लोग अभी आएंगे भी वो यदि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होंगे या एसिम्टोमेटिक होंगे। तो इसलिए सर्वाधिक जो अभी आवश्यकता इस बात की है कि वैक्सीनेशन तेज़ी से करा लें। कलेक्टर ने निर्माणाधीन सिटी स्कैन सेंटर का भी निरीक्षण कर उसे 15 सितंबर तक कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 18 सितंबर के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में सांसद ने जनप्रतिनिधियों और प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की। केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके आगमन की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए भाजपा कार्यालय में सांसद राकेश सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह आज़ादी के अमृत महोत्सव में आदिवासी जन नायकों के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ कार्यक्रम के साथ में समर्थ समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण विषय पर बुद्धिजीवियों से परिचर्चा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस ने जीवन भर तुष्टिकरण और राजनीतिकरण के अलावा कभी कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समान रूप से सबको देखती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि जो योग्य हैं उन सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और उस दृष्टि से ही सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनने के बाद उनके हित में काम हुआ है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से 17 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। 7 वर्ष पूर्व लगाए गए पौधों का प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाकर और उनकी देखरेख करते हुए शांतिनगर बंधैयापुरा के व्यापारी और रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर रेवा के सदस्यों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की नजीर पेश की। व्यापारी संघ और रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि 6 सितंबर को केक काटकर और मिष्ठान वितरण कर वृक्षों का जन्मदिन मनाया जाता है। शांतिनगर बंधैयापुरा के व्यापारी संघ और रोटरी क्लब जबलपुर रेवा के द्वारा युवा पीढ़ी को पर्यावरण से जोड़ने के लिए अनूठी पहल की जा रही है। उनके द्वारा 7 वर्ष पूर्व लगाए पौधों का हर साल 6 सितंबर को केक काटकर और मिष्ठान वितरण कर जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन के मनाने का कारण ये है कि जब हम कोरोना का वो मंजर याद करते हैं, टूटती हुई सांसें, ऑक्सीजन के लिए भटकते लोग, अस्पतालों में लगी भीड़, और ऐसे में जब ये पौधे यदि पूरे जबलपुर भर में पर्याप्त मात्रा में होते तो ऑक्सीजन की हमें कतई आवश्यकता शायद न पड़ती, और इस कारण से मानव जीवन को यह संदेश देने के लिए कि आप वृक्षों के प्रति संवेदनशील बने और उनके को सहेजें, संवारें और उनको बड़ा करें,
ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी छाया दे सकें। जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि आज जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन लेवल घटा है और लोगों को जागरूकता हो, ताकि वो हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और उनको बचाएं। इसका उद्देश्य न केवल पौधों की देखभाल करना है बल्कि युवा पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण से रूबरू कराना है। लंबे अरसे बाद भी जबलपुर के चेरीताल क्षेत्र को जल प्लावन की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। आलम यह है कि कुछ देर की बारिश में ही सड़कें जलाशय में तब्दील हो जाती हैं और लोगों के घरों में भी पानी भरने की नौबत आ जाती है। कुछ देर तक हुई तेज बारिश के बाद चेरीताल स्थित हरदौल मंदिर के पास कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। सड़कें जलाशय में तब्दील हो गईं और वाहन चालकों को जलाशय नुमा सड़कों से ही वाहन निकालने को मजबूर होना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से जल प्लावन की समस्या बनी हुई है, लेकिन इससे निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पंद्रह साल से यही हाल होता आ रहा है, यहाँ से कोई विकास नहीं पे ध्यान नहीं देता है और यही हाल सदियों से होता चला आ रहा है और घुटनों घुटनों तक पानी भरता रहता है। अभी हल्की बारिश में ये हाल है, अगर आगे की बारिश अगर और तेज़ होगी तो फिर क्या हाल होगा, इसमें तो आधे आधे घर डूबेंगे सर। नाले साफ नहीं होने के कारण ये सब समस्याएँ पैदा होती हैं, इसको नगर निगम प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ये हरदौल मंदिर रोड है, ये सदा से ये देखते चले आ रहे हैं, हम लोग यहाँ के रहवासी हैं, परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता की माने तो नाले नालियों की समय पर सफाई ना होने से जल प्लावन की समस्या निर्मित हो गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच सोमवार को जिले में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं और एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। सोमवार को जारी हुई 5,220 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 5 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 301 में सीलिंग का हिस्सा गिरने से कमरे में भर्ती महिला मरीज और उनके पति को चोटें आई हैं। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति बन गई और मरीज के परिजनों ने लाडगंज थाने में FIR दर्ज कराने की बात कही है। लाइफ मेडिसिटी अस्पताल के चौथे माले पर स्थित कमरा नंबर 301 में भर्ती शुभलता जैन और उनके पति उस वक्त एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए, जब अचानक कमरे की सीलिंग का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। हालांकि इस घटना में शुभलता जैन के पति शिशिर जैन को हाथ में चोट आई है। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर लाडगंज पुलिस भी पहुंच गई। वहीं मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना के बाद जैन दंपत्ति के परिजन वहां पहुंचे तो अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया और उन्हें यहां वहां भटकाते रहे। कुछ नहीं, जब मैंने बोला कि रूम खोल के दिखाइए कि किस रूम में ये सब हुआ, तो उन्होंने बोला कि इंचार्ज नहीं है, मैं इस फ्लोर का इंचार्ज नहीं हूँ। इन्होंने बोला चलिए हम मेन पर्सन से बुलाते, फिर वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ले गए, फिर वो बोले कि थर्ड फ्लोर पे मिलेंगे। मतलब उस तरीके से वो लोग मुझे करते रहे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही परेशान होते रहे। फाइनली उन लोगों ने रूम नहीं खोला, फिर मैंने FIR की थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मरीज के परिजनों की शिकायत को जांच में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में 4th फ्लोर में 301 नंबर के रूम में शुभलता जैन एडमिट है अपने इलाज के लिए, इनको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो जिस रूम में एडमिट थी उस रूम की सीलिंग गिरी और इनके हस्बैंड वहीं पे थे, तो उसके हस्बैंड के दाहिने हाथ में एक स्क्रैच आया है। पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम अभी इनसे पूछताछ करके बयान लेके जो कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में इसके पूर्व में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं इस घटना के बाद भी अस्पताल प्रबंधन जवाब देने से बचता नजर आया। आत्महत्या करने के मकसद से तिलवारा पुल की रेलिंग पर चढ़े युवक को डायल 100 के स्टाफ ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवक रविंद्र अहिरवार ग्राम हीरापुर बंधा का रहने वाला है।
पुलिस द्वारा युवक को समझाइश देकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तिलवारा पुल की रेलिंग पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले रविंद्र अहिरवार को पुलिस ने बचा लिया और उसे लेकर तिलवारा थाने पहुंचे। पुलिस के अनुसार पुल पर जा रहे एक व्यक्ति ने डायल 100 को सूचना दी कि एक युवक पुल से नीचे कूदने की फिराक में है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डायल 100 के आरक्षक राकेश मिश्रा और पायलट विजेंद्र कुशवाहा ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से युवक की जान बचाई और उसे लेकर थाने पहुंचे। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।